नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, BHMS MD. मैं आई एम प्रैक्टिसिंग इन गाज़ियाबाद इंदिरापुरम ज्ञानखंड 4 सिंस 10 ईयर्स. आज मैंने जो टॉपिक लिया है साइनसाइटिस, जो मोस्ट ऑफ यू हैव बीन नोइंग दिस टॉपिक, क्योंकि कोई ना कोई आमतौर पे इस डिजीज से सफ़र कर ही रहा होता है एंड काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में होता है, तो ऑब्वियसली दे सीक अ ट्रीटमेंट जो कि उनको इससे गेट रिड करे प्रॉब्लम से. कुछ डिपेंडेंट मेडिसिंस वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं, लाइक स्प्रेज भी ले रहे होते हैं, डीकंजेस्टेंट भी ले रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब एक्यूट फेज आता है, बट ये उनको रिकरेंट फेज में प्रॉब्लमेटिक रहता है. दैट्स वाई जो पेशेंट आते हैं वो यही पूछते हैं कि ये जो बार बार रिकरेंसी है वो सही हो सकती है, यानी या छोटी सी भी चीज़ से हमें जल्दी से साइनसाइटिस हो जाता है, तो उससे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को सीख करते हैं. तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि साइनसाइटिस होता क्या है. एक्चुअली साइनसाइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, पैरानेजल साइनसेस, जिनका वैसे कोई वो रोल नहीं, बट दीज आर एयर स्पेसेस अराउंड आर नोज. पैरानेजल साइनसिस का इन्फ्लेमेशन जो होता है, पैरानेजल साइनसिस पहले एक्यूट साइनसाइटिस भी होता है जो कि 1 to 4 weeks रहता है, एंड सब एक्यूट साइनसाइटिस होता है जो कि 1 to 3 months भी रह सकता है, एंड क्रोनिक जो है 3 months से ज़्यादा रहता है. ये एक कैटेगरी है जो हम डिवाइड करते हैं इसके टाइप्स में. तो सबसे पहली चीज़ कि हमारी नेज़ल कैविटी में जब हम एयर ब्रीद करते हैं तो हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जो लाइनिंग होती है, जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं. तो वो म्यूकस जो है हमारे नेज़ल हेयर्स, जो नोज़ हेयर्स होते हैं, उन पे एक कोटिंग होती है. तो जब वो पैथोजन अटैक करता है, मतलब नोज़ में आता है एयर के थ्रू, तो वो उससे स्टिक हो जाते हैं. एक तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इन्फेक्शन को अंदर रन करने के लिए टू साइनसिस. तो दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. जो इसके अलावा जो पैरानेजल साइनसिस का ये इन्फेक्शन होता है, तो हमारे फोर पेयर ऑफ पैरानेजल साइनस होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन उनको नाम दिया गया है. जैसे मैक्सिलरी साइनस होता है मैक्सिलरी बोन के पास, तो उसका जो है लार्जेस्ट साइनस है. और इसके अलावा इथेमोइडल एंड स्फिनोइड साइनस जो होता है, दैट इज़ हमारी आँख के पीछे होता है. फ्रंटल जो होता है अबव आई होता है. जैसे इधर जब भी कभी कोई इन्फेक्शन, कोई पैथोजन ट्रिगर, मतलब जो एंटर करता है, वो इस म्यूकस जो कोटिंग होती है, जो साइनसिस के वॉल पे जो कोटिंग होती है, जैसे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, उसके अलावा एक एपिथीलियम इस तरीके का होता है जिसमें सीलिया होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्रीशंस होती हैं वो ड्रेन होती हैं नेजल कैविटी के अंदर. तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में मिएटस बोलते हैं, और सारे साइनसिस उसी मिएटस में ड्रेन होते हैं. बट जब उसके अंदर ड्रेनेज में ब्लॉकेज होता है, जैसे प्रॉपरली ड्रेन नहीं कर पा रहे साइनस ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू इन्फेक्शन, ब्लॉकेज, तो उसमें क्या होता है कि हमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तब साइनसाइटिस डेवलप होता है. क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन होता है, जो सिक्रीशंस बढ़ जाती है, म्यूकस सिक्रीशन, उसके साथ उसमें अकॉर्डिंग टू, मतलब जिस टाइप का इन्फेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरियल है, तो उसमें पस फॉर्मेशन होती है, तभी हमें पेन फील होना शुरू होता है. कि हमें उसके जो साइनसाइटिस के कॉमन सिम्टम होते हैं, जैसे एक्यूट में, एक्यूट साइनसाइटिस जो होता है यूजुअली दिस इज़ ड्यू टू वायरल, जो हम कॉमन कोल्ड वाला देखते हैं, जैसे राइनो वायरस से, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से, जो हमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम आते हैं. फिर फ्लू वाले सिम्टम आते हैं हमें इन्फ्लुएंजा वायरस से. सेकेंड इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत तरीके का होता है, 2-3 types ऑफ बैक्टीरिया जिससे इन्फेक्शन हो सकता है. उसमें एसोसिएटेड सिम्टम उसी के तरीके से होते हैं, कंजेशन वाले, फीवर, इस तरीके के. फिर थर्ड इज़ लाइक कि जो ब्लॉकेज रिलेटेड भी होता है कई बार, जैसे आपने आमतौर पे सुना हुआ होगा नाक की हड्डी बड़ी हुई है, उसकी वजह से साइनस ड्रेन नहीं हो पा रहे, जो डेविएटेड नेजल सेप्टम हम बोलते हैं, तो एक रीज़न वो भी होता है. तो उसका जो ट्रीटमेंट खैर एंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें यूजुअली सर्जरी एडवाइस की जाती है टू ओपन अप द वॉल्स ऑफ साइनसिस टू ड्रेन इनटू, मतलब कि वो नेजल कैविटी से ड्रेन हो पाए.
इसमें दूसरे अदर फैक्टर्स जो होते हैं, कई बार वायरल इन्फेक्शन के बाद भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें हमें फिर दोबारा से सिम्टम जो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से ट्रीट, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स और उस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। अब बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं मतलब साइनसाइटिस के, उसमें यूजुअली आपको एक्यूट सिम्टम यूजुअली सिम्टम बेस्ड होते हैं जो कि ट्रीट हो जाते हैं 1-4 वीक में, जो भी आपको डीकंजेस्टेंट देके होता है। उसके अलावा इसमें सिम्टम होता है फेशियल पेन, आपको सुप्रा ऑर्बिटल पेन, इधर नोज़ के इधर पे पेन, रूट ऑफ नोज़ में पेन। तो वो फेशियल पेन जो होते हैं आपको फेशियल कंजेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपके साइनसेस ब्लॉक हुए हैं, उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो गया है तो आप हेडेक फील करते हैं। यूजुअली इसके अंदर सिम्टम होता है कि आपको कफ होगा जो यूजुअली नाइट में ज़्यादा होगा व्हेन यू लाई डाउन, तो बेसिकली ये इस टाइम पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हैं बाकी सिम्टम होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें कि फीवर और कई पेशेंट में जैसे वॉइस चेंजेस, ऑल्टर्ड टेस्ट, स्मेल कम आना, ये सब क्रोनिक के सिम्टम होते हैं। जब आप बहुत टाइम से मतलब 3-4 महीने हो गए आपको उसी साइनसाइटिस से सफ़र करते हुए, तो इस तरीके के सिम्टम आपको तब डेवलप होते हैं, जिसमें कि नोज़ स्मेल नहीं आना, बहुत पेशेंट बोलते हैं मुझे स्मेल ही नहीं आ रही, जुखाम रहता है मुझे, ये सब चीज़ें, तो वो यूजुअली इसी के अंडर आते हैं। इसके अलावा फेशियल पेन्स जो रहते हैं वो भी इसी से रिलेटेड रहते हैं, एलर्जीज़ की वजह से भी होता है ये, तो जैसे क्रोनिक एलर्जीज़ की वजह से भी आपको साइनसाइटिस डेवलप हो जाता है, एलर्जीज़ जैसे डस्ट एक्सपोजर, पोल्यूशन एक्सपोजर, और कुछ हद तक कुछ पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी देखा गया है, जैसे जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है तो उनको कुछ एस्परजिलस फंगस इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, उसका भी एक रीज़न होता है। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, डायग्नोसिस में यूजुअली एक्यूट के लिए हम सिम्टम बेस पे ही देखते हैं, बट क्रोनिक एंड सब एक्यूट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से हाइपरप्लेजिया भी डेवलप हो जाता है नेजल कैविटी में इन सेल्स का, ड्यू टू ओवर सिक्रीशंस एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है एक तरीके का आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है विच इज़ नॉन कैंसरस, जिसे हम नेजल पॉलिप भी बोलते हैं, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये, बट क्रोनिक में ज़्यादा, क्रोनिक केसेस में होता है, सब एक्यूट एंड क्रोनिक केसेस में, क्योंकि एक्यूट आपका रिजॉल्व हो गया देन सब एक्यूट में और क्रोनिक में चला जाता है कभी कभी, तो उस वजह से उसमें ग्रोथ डेवलप हो जाती है। उसके लिए आपने सुना ही होगा, आप जैसे कभी एंटी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो आपको सर्जरी एडवाइस कर देते हैं या कुछ स्प्रेज देते हैं जो कि एंटी एलर्जिक भी होते हैं, प्लस कुछ स्टीरॉइड स्प्रे होते हैं जो आपको इसमें हेल्प कर देते हैं। बाकी डायग्नोसिस हम क्रोनिक एंड सब एक्यूट साइनसाइटिस का जो है यूजुअली एडवाइस करते हैं सीटी स्कैन या एक्सरे, पैरानेजल साइनसिस होता है या फिर राइनोस्कोपी के थ्रू टू लुक इन, मतलब एक ट्यूब से कैमरे जिसमें कैमरा होता है उससे नेजल कैविटी को देखते हैं कि साइनस की ड्रेनेज प्रॉपर है या नहीं है। अब ये तो हुआ डायग्नोसिस एंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, अब होम्योपैथी में इसके लिए क्या दे सकते हैं हम। होम्योपैथी में हम लोग बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि एक एक सिम्टम पे चेंज हो जाती है होम्योपैथी में, जैसे आपको अगर कुछ एयर एक्सपोजर के बाद में बहुत ज़्यादा हुआ है और फिर इन्फ्लेम्ड हो गया है, आपको फेशियल पेन हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी दवाएं हैं जैसे कि हिपासल्फ बहुत अच्छा काम करती है, वेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा इसमें भी है कि जैसे विच साइड का आपका साइनस इफेक्टेड मतलब अफेक्टेड है, तो चाहे मैक्सिलरी, अगर आपको ऑल साइनसेस में पेन है, पैन साइनसाइटिस टाइप का जैसे होता है, तो उसके अंदर आपकी बहुत सी दवाएं होती है, जैसे साइलिशिया काम करती है, बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, कालीबाई बहुत अच्छा काम करती है, मर्बिनायोड बहुत अच्छा काम करती है। आप पर्टिकुलर साइड में फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है जो कि आपके होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइजीलिया, सेंग्यूनेरिया नाइट्रिका एंड कैनाडेंसिस बोथ, ये कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं साइनसाइटिस में, आपको एक्यूट पेन में भी रिलीफ करती हैं। इसके साथ आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें बताई जाती हैं, स्टीम इनहेलेशन, ये सब चीज़ें, तो क्योंकि बेसिकली हमारा साइनस भी यही काम करता है कि जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो वो उसको वार्म एंड मॉइस्ट बनाता है टू प्रोटेक्ट दैट, कि जो पैथोजन इन्वेड हुआ है वो
इन्फ्लेमेशन ये सब ना करे, तो ये सब उसकी बेसिक उसके साथ में एडवाइसेस होती हैं। बट आप अपने होम्योपैथिक, अगर आपको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप बहुत अच्छे से इस चीज़ से गेट रिड हो सकते हैं। आप साइनसाइटिस से जो बहुत टाइम से पेन सफ़र करते हैं कि कुछ दिनों बाद ही आपको थोड़े से भी कुछ भी ऑल्ट्रेशन से एकदम से साइनसाइटिस डेवलप हो जाता है एंड वो हेडेक एंड फेशियल पेन्स ये सब, तो आप उससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।